मैं सतीश कुमार सिंह, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज यूपी। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज यूपी, हर सच आपके सामने। सकरन सीतापुर। सकरन थाना क्षेत्र में समाचार कवरेज करने गए पत्रकार के साथ वन दरोगा ने किया विधत्ता, झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी। सकरन थाना क्षेत्र के लालपुरवा गांव निवासी राजकुमार राजपूत एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार हैं। गुरुवार की रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि सुमरावा में बगैर परमिट के बाग कट रही है, जिसकी कवरेज करने के लिए मौके पहुंचे राजकुमार राजपूत ने कटे पेड़ों की फोटो खींचनी शुरू की तो वहां मौजूद वन दरोगा नरेंद्र यादव ने पत्रकार से अभद्रता करते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज करवाए जाने की धमकी दी। वन दरोगा के इस अमानवीय कृत्य से पत्रकारों में रोष है। मामले को लेकर पत्रकार संघ सोमवार को जिला मुख्यालय पर वन दरोगा विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेगा। मामले को लेकर जब क्षेत्रीय वन अधिकारी कमाल अहमद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदारों ने वन दरोगा से अभद्रता की थी, पत्रकार के मामले की जांच करवाई जाए। मैं क्षेत्र में जो है खबर कवरेज के दौरान गया था, हमको सूचना ग्रामीणों के द्वारा मिली कि सुमरावा में कुटी प्रवाह में आम के पेड़ कट रहे हैं। जब मैं मौके पर गया तो वहाँ वृद्धलाल गौतम ने मुझको बताया, ठेकेदार हैं लकड़ी के, उन्होंने बताया कि जो है हमने नरेंद्र यादव जो वन दरोगा हैं उनको 20,000 रुपये 4,000 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से जुलवाने के नाम पर दिया। और नरेंद्र यादव से जब हमने पूछने की कोशिश की तो आगे बोला हो गए, कहा तो मैं तुम्हारी 2 मिनट में पत्रकारिता सही कर देंगे। जी, इसकी सूचना आपने किसी अधिकारी को की? हमने अपने जो है अपने स्टाफ को हमने अवगत करा दिया है, अपने पत्रकार बंधुओं को अवगत करा दिया है और इसकी सूचना लिखित सूचना मैं थाने पर अभी दूंगा। आपने जो पेड़ कटे हो आपके? हाँ भैया हमारे। अच्छा, आपने बेचा था? हाँ भैया बेचा था। किस लिए बेचा था? 5 पेड़। 5 पेड़ बेचे हैं आपके? वहाँ लड़की की शादी थी क्या? हाँ, 28 दिसंबर का शादी हुई है। 28 दिसंबर को आपके लड़की की शादी है? हाँ भैया, पैसा है ना तो बेच रहे, हम तो गरीब आदमी थे, पैसे नहीं। अच्छा, इसके बारे में ठेकेदारों से पूछा कि कैसे कटेंगे? हाँ भैया, उनसे ठेकेदारों से ने कह रहे भैया मतलब अपन मतलब छोर मांग लो, जहाँ जहाँ पैसा देगा तहाँ तहाँ पैसा दे दो, मतलब कच्चा काम ना किया, अधिकारी का सबका पैसा दे दो, बाद में काम करो। अच्छा, हम पहले उनसे करार कोई ले रहे हैं। हाँ, तो बाद में अधिकारियों ने आ करके लकड़ी को रोक दिया है और इसके ठेकेदारों का आरोप है कि वो 20,000 रुपये भी दिए हैं उनको। आपका नाम क्या है? राधेश्याम। राधेश्याम, गांव कौन सा? सुमरावा। अच्छा, हमारे भाई से ने कोई मतलब ना, तो अपने पेड़ हम इससे बेचे। अच्छा, अपने पेड़ बेचे हैं, ठीक। क्या नाम है? बिमलेश कुमार। आप ठेकेदार हैं? हाँ। वहाँ पर क्या हुआ था? हाँ, पेड़ कटे रहा। हाँ। अच्छा, रुपये भी लिए थे बंदरों का ने? हाँ, उसके 1000 रुपया कटवाने के एवरेज में। हाँ। अच्छा, कटवा दिया, उसके बाद में जब शिकायत उच्च अधिकारियों को हुई तो उन्होंने लकड़ी पकड़ने वहाँ गए। हाँ, पकड़ने गए। अच्छा, फिर क्या बताया? फिर उन्होंने 30,000 और रुपया मांगा जुर्माना के तौर पे। अच्छा, 20,000 ले करके उसके बाद में फिर 30,000 मांगे, 50,000 मांगे। अच्छा, और इसके सूचना भी अधिकारियों को हुई तब जांच करने वहां पर पहुंचे मौके पर? हाँ, जांच करने पहुंचे तमाम अधिकारी। अच्छा, ये कहां पर लकड़ी कट रही थी? ये कुटी पुरवा के पड़ोस में है। अच्छा, मजरा सुमरावा लगता है। हाँ, मजरा सुमरावा। नाम क्या है? बृजलाल। कौन है आप? ठेकेदार हैं? हाँ। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ भवा का जब हम पहले पत्रकार पहुँचे, उसके बाद में हाँ मतलब वही पहुँचे बंदरोगा। हाँ, बंदरोगा पहुँचे। अच्छा, आपने इसके जानकारी मिले कि इसके लिए 20,000 रुपये भी दिए थे? हाँ, 20,000 रुपया दिए रहा। हाँ, तो अब क्या दिक्कत हुई? अब दिक्कत का आप 30,000 और मांगे थे। अच्छा, 50,000 मांग रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, 20,000 रुपये लेकर के उन्होंने पेड़ कटवाने की अनुमति दी थी? हाँ, अनुमति दी ना, तो हम तो दिन का कटर रहा है, कोई रात को थोड़ा काट रहा है। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हाँ मतलब झंझट हो लगा। हाँ। तो कहे लगे हम कहीं पैसा जब तुम दे चुका हुआ है तो कहे दिया जाए। हाँ, चाहे सब भवा। हाँ, जारी हुआ भवाया है। अच्छा, तब फिर चल दिया, तब कहीं हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करोगे, यही बात बस।